हेलो चिल्ड्रन, नाउ वी विल रीड इंग्लिश चैप्टर 3, मंकीज एंड पुअर वीमेन। मंकीज मींस बंदर, एंड मींस और, पुअर मींस गरीब, वीमेन मींस औरत, बंदर और गरीब औरत इस चैप्टर का मीन है। हियर सम वर्ड्स आर गिवन, दीज वर्ड्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। लेट्स रीड दीज वर्ड्स। ट्रैवलर, ट्रैवलर मीन्स पीपल हु ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वह व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करता हो उसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? यात्री। ऑगर, ऑगर को ऑगर मीन्स घोस्ट, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे? भूत या फिर राक्षस। वैली, वैली मीन्स क्या होता है? लो लेन लैंड बिटवीन द हिल्स, इसको हिंदी में कहेंगे घाटी। वह जगह जो जमीन के और पहाड़ी के नीचे हो। परेड, परेड का मीन्स क्या है? टू हाइड अंडर ग्राउंड, किसी चीज को जमीन के नीचे छुपाना, या फिर इसको और क्या कह सकते हैं हिंदी में? घरना या फिर दफनाना। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है बिल्ड। बिल्ड को, बिल्ड मीन्स मेक कंस्ट्रक्ट, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? बनाना या फिर निर्माण करना। नाउ वी विल इंट्रोड्यूस द लेसन। मंकीज आर वेरी सिमिलर टू ह्यूमन बींग्स। मंकीज जो होते हैं, बंदर जो होते हैं, वो कैसे होते हैं? मानव के जैसे होते हैं। देयर फेस, ईयर्स, एक्शंस, फूड एक्सेट्रा आर वेरी सिमिलर टू मैन। उनका जो चेहरा होता है, उनके जो कान होते हैं, उनके जो एक्शन होते हैं, उनका जो खाना होता है, वह सब कैसा होता है? इंसानों के जैसा होता है। किसका? बंदर का। दे कॉपी मैन एंड ट्राई टू बिहेव लाइक हिम। वह क्या करते हैं? इंसानों की तरह, उन इंसान की नकल करते हैं, उन्हीं की तरह व्यवहार करते हैं। हेयर इज अ स्टोरी ऑफ सम मंकीज हु रैंग द बेल लाइक मैन एंड फ्राइटेंड द पीपल। यहाँ पर कुछ बंदरों की कहानी दी गई है जिसमें वे क्या करते हैं? वह इंसानों के जैसे घंटे को बजाते हैं और लोगों को उन्होंने डराया। लेट अस सी हाउ डिड दे डू सो एंड हाउ वॉज द फियर ऑफ द पीपल डिस्पेल्ड। तो देखते हैं कि कैसे उन्होंने ऐसे किया बंदर ने, और फिर लोगों का जो ये डर था कैसे दूर हुआ। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वंस देयर लिव्ड सम मंकीज इन अ फॉरेस्ट। एक बार कुछ जानवर जो थे वो एक जंगल में रहा करते थे। दे यूज टू जम्प एंड रन हेयर एंड देयर। वह इधर उधर भागा करते थे और उछल कूद करते थे। इंसिडेंटली वन डे दे रीच्ड अ माउंटेन। और अकस्मात ही वह कहाँ पहुँचे? पहाड़ के ऊपर पहुँचे। दे फाउंड अ बेल। और जहाँ उनको एक क्या मिला? घंटा मिला या फिर एक घंटी मिली। प्रोबेबली सम ट्रैवलर्स मस्ट हैव स्टेड ऑन द माउंटेन एंड हैड फॉरगॉटन देयर बेल देयर। और शायद ऐसा हुआ होगा कि कुछ यात्री जो है वो पहाड़ पर ठहरे होंगे और वह अपने घंटे को वहाँ पर भूल गए होंगे। द मंकीज कैरिड अवे द बेल। व्हेन अ मंकी वॉज रनिंग विद द बेल इट ऑब्वियसली रैन एंड मेड द अदर मंकीज हैप्पी। और जब बंदर क्या थे, उस घंटे को ले गए, और जब बंदर उस घंटे के साथ में भाग रहा था तो स्पष्ट रूप से वो घंटी बजी होगी, और घंटी के बजने से क्या हुआ?
कि जो और बंदर थे वे सब खुश हुए. रिंगिंग ऑफ द बेल बिकेम अ नाइस गेम फॉर द मंकीज. और घंटी का बजना जो था वो अब बंदरों के लिए एक अच्छा सा खेल बन गया था. दे लाइक इट सो मच दैट दे रैंग इट डे एंड नाइट. और वह उनको इतना अच्छा लगने लगा उसका घंटी का बजना कि वह उसे दिन रात बजाया करते थे. द पीपल इन द टाउन ब्लो थॉट दैट सम ऑगर रैंग द बेल ऑन द माउंटेन. और नगर के जो लोग थे जो नीचे रहा करते थे नगर में उनको उन्होंने सोचा कि कोई राक्षस है पहाड़ के ऊपर जो बैठकर घंटे बजाया करता है. दे वर वेरी अफ्रेड ऑफ द ऑगर. और वह राक्षस से बहुत भयभीत हो गए थे. पीपल बिगन टू लीव द टाउन इन फियर. और लोगों ने डर से नगर को खाली करना शुरू कर दिया. दे नेम्ड द ऑगर देव घंटाल. और उन्होंने उस राक्षस का नाम क्या रख दिया उसको देव घंटाल कहा जाने लगा. देयर लिव्ड अ पुअर वीमैन इन द टाउन. शी वॉज अनेबल टू लीव द टाउन एंड गो एनीवेयर एल्स. अब उस नगर में क्या थी एक गरीब महिला रहती थी जो कि उस नगर को छोड़ने के काबिल नहीं थी और वह इस नगर को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती थी. बट शी वॉज वेरी करेजियस. लेकिन वह कैसी थी काफ़ी बहादुर थी. वन डे शी वेंट अप द माउंटेन टू सी वॉट वॉज द मैटर. एक दिन वह कहाँ गई उस पहाड़ के ऊपर गई मामले को पता करने के लिए कि बात क्या है. शी हियर द बेल एंड वॉज वेरी मच सरप्राइज. और उसने घंटी की आवाज़ सुनी और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ. बट शी वॉज नॉट अफ्रेड. लेकिन वह इस बात से भयभीत नहीं हुई. शी वेंट ऑन हायर एंड हायर. और वह ऊपर और ऊपर चढ़ती गई पहाड़ पर. शी लुक्ड डीप इन द वैली एंड सो द मंकीज रिंगिंग द बेल. और उसने घाटी में गहरी घाटी में नीचे देखा कि जो बंदर हैं वो क्या कर रहे हैं घंटी को बजा रहे हैं. घंटी को बजाते हुए देखा. शी दिस शी स्माइल एंड कैम डाउन. और घंटी को बजते हुए देखकर वह मुस्कुराई और नीचे आ गई. द वीमैन वेंट टू द चीफ ऑफ द टाउन एंड सेड सर इफ आई ड्राइव अवे द ऑगर फ्रॉम द माउंटेन विल यू गिव मी अ रिवार्ड. और जो महिला थी जो औरत थी वह नगर के मुखिया के पास में गई और कहा श्रीमान जी यदि मैं उस पहाड़ पर से राक्षस को भगा दूँ तो क्या आप मुझे इनाम देंगे. द चीफ ऑफ द टाउन ग्लैडली एग्रीड टू रिवार्ड हर सूटेबली इफ शी ड्रॉप अवे द ऑगर. नगर का जो मुखिया था वह खुशी से क्या हुआ तैयार हो गया इस बात से सहमत हो गया. और उसने बोला कि यदि वह उस राक्षस को भगा देगी तो उसको उचित इनाम दिया जाएगा. द वीमैन टुक अ बिग बास्केट ऑफ फ्रूट्स एंड बेंड अप द माउंटेन. अब जो महिला थी जो औरत थी वह एक बड़ी सी टोकरी लेकर आई फलों से भरी हुई और पहाड़ पर चली गई. शी सा द मंकीज रिंगिंग द बेल. और उसने देखा कि बंदर घंटी बजा रहे हैं. नाउ शी वेंट डाउन द वैली एंड थ्रू अवे द फ्रूट्स फ्रॉम द बास्केट. और वह अब कहाँ गई घाटी में नीचे गई और उसने फलों को अपनी टोकरी से फलों को कहाँ फेंक दिया घाटी में फेंक दिया. द मंकीज लेफ्ट द बेल एंड रैन टू ईट द फ्रूट्स. और बंदर जो थे उन्होंने घंटी को वहीं छोड़ दिया और घंटे को वहीं छोड़ दिया और वह फलों को खाने के लिए भाग गए. व्हेन द मंकीज वर बिजी इन ईटिंग द फ्रूट्स द वीमैन टुक अवे द वेल एंड रैन. और जब बंदर फलों को खाने में व्यस्त थे तो उस महिला ने उस घंटे को उठाया और भाग गई. ऑन हर वे बैक
she buried the bell deep in the ground. और वापस रास्ते में आते टाइम उसने क्या किया, उस घंटे को जमीन के नीचे गाड़ दिया, छिपा दिया. Then she went to the chief of the town and told him that she had sent away the dev ghanta. और उसके बाद उसने जाकर नगर के मुखिया को बताया कि उसने वहाँ से पहाड़ पर से देव घंटाल को भगा दिया है. All the people and chief of the town were very happy. और नगर के सभी निवासी, सभी लोग और जो मुखिया था वह बहुत खुश हुए. They thanked the woman and gave her a good reward. उन्होंने उस महिला का धन्यवाद दिया और उसको एक अच्छा इनाम दिया. Now the people of the town lived in peace. और अब उस नगर के जो लोग थे वे शांति से रह रहे थे.